नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा टक्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे होम्योपैथिक में इमरजेंसी मेडिसिंस के बारे में, जो कि आप जानते हैं कि भी मौसम चेंज होने पे हमें छोटे मोटे कोल्ड या फीवर होता ही रहता है। जैसे कि आप जानते हैं, अक्टूबर का मंथ चल रहा है, इस मंथ में मौसम चेंज होता है। जैसे बच्चों को पहले कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है, फिर उसके बाद बड़ों में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। अगर आपके पास इमरजेंसी होम्योपैथिक मेडिसिन अगर घर में आपके अवेलेबल होंगी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत काम भी आएंगी। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी ऐसी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि आप इमरजेंसी में ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही साथ मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इमरजेंसी ऐसी कौन सी सिचुएशंस हो जाती हैं जो कि होम्योपैथिक आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहली सिचुएशन हो जाती है कि हमें फीवर हो जाता है मौसम चेंज होने पे। जैसे अक्टूबर का मंथ चल रहा है, इसमें मौसम चेंज होता है, इस मंथ में ठंड आने लग जाती है, ठंड होनी शुरू हो जाती है, तो हमें फीवर हो जाता है मौसम चेंज होने पे। तो हम कौन सी ऐसी मेडिसिन यूज़ करें, तो सबसे अच्छी इसकी मेडिसिन है इपोडोरियम पर्फ 30 और एकोनेट 30, जो कि हमेशा मतलब अपने पास रखें। अचानक से अगर आपको फीवर हो जाए तो आपने इसका यूज़ एक एक घंटे पे लेना है, एक एक घंटे पे आपने इसको यूज़ करना है, 2-2 ड्रॉप्स लेनी है। जब फीवर आपको कंट्रोल में हो जाए उसके बाद आपने इसको दिन में 4 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन में 4 बार 2-2 ड्रॉप्स अपनी जीभ पे टपकानी है। उसके बाद हमारी अगली सिचुएशन हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, वेदर चेंज होने पे नाक बहती है, छींकें आती हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है एलियम सिपा 30, जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको एक एक घंटे पे ले, 2-2 ड्रॉप्स। उसके बाद अगर छींकें जैसे कंट्रोल में हो जाती हैं तो फिर आप इसको दिन में 4 बार लें, 2-2 ड्रॉप्स अपनी जीभ पे टपकाएं। उसके बाद दोस्तों, हमारी अगली सिचुएशन हो जाती है, खांसी आती है, हमें सूखी खांसी आती है, तो ब्रानिया 30 अपने पास रखें, दिन में 4 बार लें, 2-2 ड्रॉप्स। और अगर आपको बलगम आ रही है तो एंटीमटाट 30 और हिपरसेल 30, ये दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, इसको अपने अदल बदल के आपने यूज़ करनी है। तो आप इसको लें, दिन में 4 बार लें, 2-2 ड्रॉप्स अपनी जीभ पे टपकाएं। उसके बाद ऐसी सिचुएशन हो जाती है जैसे कि गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट फूला फूला रहता है और हम कुछ खाने का मन नहीं करता क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी साथ में हो जाती है। तो सबसे अच्छी इसकी मेडिसिन है नत्सोमेगा 30, जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है, आपने इसको दिन में 4 बार ही लेना है, 2-2 ड्रॉप्स अपनी जीभ पे टपकानी है। हमारी नेक्स्ट सिचुएशन ऐसी हो जाती है, डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, उल्टी हो जाती है, खाने का मन नहीं करता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता हमें, तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन आती है वेरिटम एल्बम 30 और इसके साथ है आर्सेनिक 30, जो कि दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, अपने अल्टरनेट करके लेना है, 2-2 ड्रॉप्स आप दिन में 4 बार ही लेंगे, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर आपको लूज़ मोशन हो रहे हैं तो आपने खाने का परहेज़ करना है, और जैसे कि हल्का खाना खाना है, दलिया खाना है, खिचड़ी खानी है, मतलब हल्का आपने लाइट फूड लेना है और रोटी नहीं खानी है आपने, तो आप परहेज़ अगर आप करेंगे तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आपको आँव आ रही है, ब्लड आ रहा है उसके साथ और वॉमिटिंग हो रही है, तो मरक्साल बहुत अच्छी मेडिसिन है, मरक्साल 30 और इपिकाक 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है, आपने 2-2 ड्रॉप्स लेनी है दिन में 4 बार। और आपको वॉमिटिंग हो रही है, साथ ही साथ आपको खांसी भी आ रही है, तो इपिकाक 30 लें। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो एक एक घंटे पे आपने 2-2 ड्रॉप्स लेनी है, और आपको दिक्कत अगर कम हो गई है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम कम हो गई है, तो आपने इसको दिन में 4 बार लेना है, 2-2 ड्रॉप्स अपनी जीभ पे टपकानी है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन भी आती है जैसे कि हमें इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे चोट लग जाती है तो दर्द होती है, सूजन आ जाती है, तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है आर्निका 30 और रूटा 30, जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे कि अंदरूनी चोट होती है
तो उसको ये ठीक भी करती है। तो आपने 2-2 ड्रॉप्स लेनी है दिन में 4 बारी। अगर जैसे कि चोट लग जाती है तो नीला नीला सा पड़ जाता है, नील पड़ जाता है, तो ये उसको भी ठीक करती है। तो इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो आप इस मेडिसिन को लगा भी सकते हैं, जैसे कि आर्टिका 30 आप उसको, मतलब जहाँ पे आपकी चोट लगी है तो वहाँ आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो हमारी अगली सिचुएशन आती है हेडेक की, जो कि बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, छोटे बच्चों में भी क्या बड़ों में भी, सब में ये हेडेक की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। नॉर्मली अगर रहती है हमें तो बेल्डोना 30 हम ले सकते हैं इस पर। जैसे कि हमें अगर सिर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपने इस मेडिसिन को 1-1 घंटे पे रिपीट करना है, 2-2 ड्रॉप्स अपनी जीप पे टपकानी है। अगर आपको धूप की वजह से हो रही है, जैसे कि आप धूप में जा रहे हैं और उसके बाद आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने ग्लोनाइन 30 हमेशा अपने पास रखनी है। ग्लोनाइन 30 की छोटी सी आपने बॉटल रखनी है 30 ml की, तो आप हमेशा अपने पास रखें उसको, दिन में 4 बारी यूज़ करें, 2-2 ड्रॉप्स अपनी जीभ पे टपकाएं। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है, सिर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपने 1 घंटे पर लेना है। और उसके बाद जैसे कि आपका जैसे हेडेक कंट्रोल हो रहा है, मतलब जैसे ज़्यादा हो रहा है तो 1-1 घंटे पे, और जैसे कंट्रोल में हो रहा है, कम होने लग गया है, तो आपने इसको दिन में 4 बारी लेना है, 2-2 ड्रॉप्स अपनी जीभ पे टपकानी है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि चोट लग जाती है तो खून निकलने लग जाता है, तो उसके लिए है कैंडुला क्रीम, जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको चोट लग जाती है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं ऐसी। तो आपको जैसे चोट लग जाती है तो उसके लिए सबसे अच्छी क्रीम है ये, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप ब्लड आ रहा हो तो वो भी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी ऐसी कुछ 10 मेडिसिंस जो कि अगर आप यूज़ कर सकते हैं, इमरजेंसी आपको प्रॉब्लम हो जाती है, घर में हैं आप, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो अगर ये मेडिसिंस आपके पास होंगी तो ये बहुत अच्छा काम भी करती हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस की मेडिसिन है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेडिसिन आप यूज़ करें। ये आपको कुछ टाइम तक मेडिसिन यूज़ करनी है, जैसे कि 15 डेज तक कॉन्टीन्यूसली आप लें, उसके बाद आप धीरे धीरे आप इनको कम भी कर सकते हैं ना। ये मेडिसिन नुकसान करती हैं, आपको फ़ायदा ही देंगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।